हे गाइस, आप लोग कैसे हो? काफी दिन बाद मैं आराम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं ग्वालियर गई थी, सब लोग को पता ही होगा जिसने मेरा ब्लॉग देखा होगा। मैं ग्वालियर, आगरा ये सब ट्रिप कर रही थी, इसलिए टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। आज मैं फ्री हुई हूँ, जबलपुर आ गई हूँ। मैं 2 फरवरी को, 26 जनवरी को यहाँ से गई थी और 2 फरवरी को आ गई हूँ। सब लोग को तो वीडियो देख के पता चल गया होगा, मेरे ब्लॉग देख करके, कि मैं कहाँ गई थी और मैंने क्या क्या किया। क्योंकि जिनने मेरा कंटिन्यू वीडियो देखा होगा उनको सब पता चल गया होगा। तो वैसे मैं अपने बेटे के पास गई थी, वहाँ वो इंजीनियरिंग कर रहा है ग्वालियर में। तो जब से उसको छोड़ कर आए थे हम लोग कोई नहीं गए यहाँ से, तो इसलिए मैं गई थी, देख के आऊँ वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है। तो यही सब देखने गई थी। तो अच्छे आराम से रह रहा है, बढ़िया है वो। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, माँ बेटे ने। ब्लॉग देख के सबको पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, खूब घूमे। और बस वहाँ से आई तो बहुत थक गई थी, तो 2 दिन आराम भी किया और कुछ काम थे जो घर के पड़े हुए थे वो काम भी निपटाए, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। आज है 4 तारीख, तो आज मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस सब घर वगैरह सेट किया, फैला हुआ था सब, हस्बैंड और बेटी घर पर ही थे। तो उन लोगों ने भी अच्छे से मैनेज किया, बढ़िया अच्छे से रहे दोनों लोग। तो बस इसलिए मैं चली जाती हूँ कहीं भी, क्योंकि मैनेज कर लेते हैं हस्बैंड, प्रॉब्लम नहीं होती है। और बेटी के पेपर थे तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं गई थी, कोचिंग वगैरह जाती, सबका नुकसान हो जाता उसका 1 हफ्ते का, इसलिए वो नहीं गई थी। अब आज मैं जा रही हूँ, एक गेट टुगेदर एक छोटा सा है, हम लोग फ्रेंड्स लोग मिल रहे हैं। एक तिलहरी वुमेन्स क्लब है, उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, पिकनिक का वीडियो है। तो उसी का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया 1 ईयर, तो उसके अगले प्रोग्राम के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, अगला प्रोग्राम सेशन स्टार्ट करना है क्लब का। तो उसी की मीटिंग के लिए 2 बजे मीटिंग रखी है, अभी टाइम हो गया है, 2:15 बज गया है, बस मैं निकल ही रही हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ओके बाय बाय। और हाँ, जो इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में भी बताया करिए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, या कोई कमी है वीडियो में तो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मुझे और भी करना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई कमी है तो आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ कैसे लगते हैं आपको। तो चलिए फिर मिलती हूँ। आज सुबह से यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, अभी अभी बारिश रुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, 9 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही थी यहाँ, और अभी अभी रुकी है। पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, लगता फिर से ठंड आएगी। से अभी तो उतनी ठंड नहीं है, लेकिन जब ये बादल खुलेंगे तो ठंड हो सकता है बढ़ जाए। आज मैं एक्टिवा से ही जा रही हूँ, क्योंकि पास में ही जाना है। हे गाइस, मैंने नहा लिया, आज मैंने शैम्पू किया है और मेरा लंच भी हो गया, बेटी का भी लंच हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस से आकर लंच करके चले गए। अच्छा, ये जो मेरा आप देख रहे हैं ना, ये इयररिंग्स, ये मैं ग्वालियर मेला से लेके आई हूँ, जो ग्वालियर मेला लगा हुआ है ग्वालियर में। मैंने वहाँ आपको वीडियो में दिखाया था कि 40 रुपए के ये इयररिंग्स मिल रहे थे वहाँ, तो मैंने 2 जोड़ी इयररिंग्स ली थी, एक ये वाली और एक दिखा रही हूँ मैं आपको, एक ये वाली, ये सिल्वर में है, एक ये वाली, ये मैंने 2 इयररिंग्स वहाँ से ली थी। अगर आपने ये ब्लॉग नहीं देखा है तो ये मैं आई बटन में डाल दूंगी, ग्वालियर मेला का आप जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, या ये कह लीजिए कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि इस समय यूट्यूब में और न्यूज़ में एक न्यूज़ आ रही है कि
कि ध्रुवी नाम की लड़की थी जो गैस गीजर में दम घुटने कारण उसकी जान चली गई है। तो ये मुंबई की लड़की थी। अभी ये 10 जनवरी की ही बात है। तो जब मुझे भी कई ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आए और एक दो किसी ने वीडियो भी दिया कि किसी ने कि उनका भी उनके भी बेटे का किसी का ये दुर्घटना होते होते बच गई थी। तो वो लोग क्या है ना, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दिए कि कैसे मतलब करना चाहिए उनका। जैसे उस न्यूज़ में मैंने देखा कि जो ध्रुवी नाम की लड़की का न्यूज़ था, तो उसमें मैंने देखा कि बाथरूम वो पूरा क्लोज था, उसमें खिड़की भी बंद थी और गैस गीजर को ऑन करके वो मतलब नहा रही थी वहां बाथरूम में। तो उससे क्या होता है कि जब पूरा बंद था तो गैस जो होती है वो पूरे बाथरूम में भर गई और वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां ज्यादा हो गया, उसके कारण उसकी दम घुटने लगा और वो शायद 4-5 दिन ही हॉस्पिटल में थी और उसके बाद ऐसी दुर्घटना हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे खुद ही बाथरूम में 10 या 11 साल से, 2011 से, 2011 से मेरे बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ है। तो लेकिन उसका क्या होता है कि हमको ये गैस गीजर हो या इलेक्ट्रिकल गीजर हो, उसको बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए। अब जैसे जब गैस गीजर यूज कर रहे हैं तो वैसे भी बाथरूम में एक खिड़की होना तो बहुत जरूरी है और खिड़की हमेशा ओपन ही होनी चाहिए, और जहाँ गैस गीजर लगा है वहां तो बहुत ही जरूरी है। तो मैं अभी बाथरूम में दिखाऊंगी अपने बाथरूम में कि कैसे मतलब हम यूज कर रहे हैं। तो जब मैं यूज करती हूँ गैस गीजर, या हमारे बच्चे ही यूज कर रहे हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन 2011 से यूज कर रही हूँ, जब बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको भी मैंने यही बता करके रखा था कि हमेशा गैस गीजर को ऑन कर, गैस ऑन करो, गीजर ऑन कर लो और पानी को पहले भर लो, उसके बाद गैस का नॉब भी बंद करना है और गीजर का नॉब भी बंद करना है, फिर उसके बाद नहाओ, और हमेशा खिड़की बाथरूम की ओपन ही होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब इतने सालों से मैं यूज कर रही हूँ, अभी तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि गैस गीजर में प्रॉब्लम रहती है। गैस गीजर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं गैस गीजर निकाल दो क्योंकि सब लोग घबरा गए हैं। बात तो सही है लेकिन गैस गीजर यूज करो आप, लेकिन सावधानी के साथ। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ सबसे कि आप लोग डरे नहीं, गैस गीजर यूज करें बट सावधानी के साथ। आपको अपने बाथरूम में लेकर चलती हूँ। देखिए ये मेरे बाथरूम में ये गैस गीजर लगा हुआ है और ये आप गैस गीजर देख के ही जान सकते हैं कि कितना पुराना है। ये गैस गीजर है और यही हमारे बाथरूम में ही सिलेंडर भी रखा है। ये देखिए ये सिलेंडर भी रखा है और ये गैस गीजर के जस्ट बगल में ये खिड़की है, ये हमेशा ओपन रहती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि गैस गीजर का जब ये नॉब है, ये जब हम यूज कर लेते हैं इसको बंद कर देते हैं और इसका गैस का ये नॉब भी बंद कर देते हैं, तो जब भी गैस गीजर यूज करें, गैस गीजर को ऑन करें, गैस गीजर को ऑन कर लें और फिर यहाँ नल से पानी भर लें और उसके बाद गैस गीजर को ऑफ कर दें और गैस का भी नॉब ऑफ कर दें, फिर उसके बाद नहाएं, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, को आप हर तरह की दुर्घटना से बच के रहेंगे। और खिड़की तो बिल्कुल जरूरी है कि बाथरूम में होनी ही चाहिए और हमेशा ओपन ही रखें खिड़की, और ये गैस गीजर के जस्ट बगल में ही हमारी खिड़की है। तो आपने देखा कि गैस गीजर ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं, इतने सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए कोई डरे घबराए नहीं कि हम गैस गीजर निकाल के फेंक दें। और बहुत सारे लोगों का हमारे पास भी मैसेज आ रहा है और बहुत वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि आपके यहाँ का अगर गैस गीजर है तो आप निकलवा दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गैस गीजर, हाँ गैस गीजर से प्रॉब्लम नहीं होती, बस उसमें सावधानी से आप उसको यूज करें, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी कारण से होती हैं, हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो वो दुर्घटना हो जाती है, इसलिए आप हमेशा सावधानी बरतें और ऐसा कोई भी नहीं है, गैस गीजर का अच्छे से यूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि
कि गैस गीजर का कैसे यूज करना है।